राजस्थान के बाड़मेर जिले में मौजूद ये मंदिर, जिसका नाम किराड़ू मंदिर है, इसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट दक्षिणी भारतीय शैली में की गई है। कहा जाता है कि 1100 ईस्वी पूर्व में ये जगह किराट कूप के नाम से भी जानी जाती थी। इस मंदिर की 5 श्रृंखला हैं, जिसमें शिव मंदिर और विष्णु मंदिर ही थोड़े बेहतर स्थिति में है, बाकी मंदिर अब खंडर बन चुके हैं। साफ तौर पर यह मालूम नहीं चल पाया है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश, संगम वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ने इसकी स्थापना की होगी। इस मंदिर में लोग शाम को रुकने से कतराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि जो भी शाम के बाद इस मंदिर में रुका है वह पत्थर का बन गया है। लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं वह भी उस मंदिर के रुक के पत्थर की तरह ना बन जाए। लोगों का कहना है कि कई साल पहले किराड़ू मंदिर में एक साधु और उनके शिष्य आए थे। शिष्यों को मंदिर में ही छोड़कर बाहर घूमने चले गए थे। तभी उनके एक शिष्य की तबीयत खराब हो गई। जब बाकी शिष्यों ने गांव वालों से सहायता मांगी थी तो किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की थी। जब सिद्ध साधु वापस आए तो उन्होंने क्रोधित होकर गांव के लोगों को श्राप दे दिया और कहा, सूर्यास्त होते ही सारे गांव वाले पत्थर में तब्दील हो जाएं। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि एक स्त्री ने शिष्यों की सहायता की थी, इसलिए साधु ने उस स्त्री को गांव छोड़कर जाने के लिए कहा था और उसे पीछे मुड़कर देखने से मना किया था, पर उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वह पत्थर में तब्दील हो गई। उस महिला की मूर्ति को भी मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थापित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पुराण। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।